सो हेलो वेलकम गाइस, दिस इज स्टूबन हियर। आज हम फिर से अटैक करने जा रहे हैं, तो मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ जिससे आप टाउन हॉल 13 मैक्स भी इजीली कर सकते हैं काउंटर। तो देखिए, स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है। आपको साइड में जैसे ये बेस है, इसमें क्लैन कैसल रूप्स ऑब्वियस होंगे क्योंकि ये क्लैन वॉर है, अच्छे क्लैन को ऑब्वियस रखते हैं। तो हम पहले यहाँ पर साइड में थोड़े बलूस करेंगे सो दैट क्लैन कैसल रूप्स पहले बाहर निकाल सकें। फिर यहाँ पे जो ऑटो हट है उसमें एक, पर जब मैंने ट्रिक आजमाई तो फिर ऐसा लगा जैसे ये ट्रिक काम नहीं कर रहे। क्यों, आप देख लीजिए आगे। यहाँ पे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने बलून्स भी छोड़े एंड देन इलेक्ट्रो ड्रैगन भी छोड़ा, पर वो टारगेट तो फिर मुझे कुछ और चैंपियन भी छोड़ दिया क्योंकि मुझे कोई और चॉइस नहीं दिख रही थी। डायरेक्ट रश करना पड़ा, तो स्ट्रेटेजी वगैरह नहीं बची थी लगाने को कि वो मेरे थोड़ा वेस्ट चला गया वहीं पे, तो मैंने स्ट्रेटेजी वगैरह तो हटा दी। तो डायरेक्ट मैंने सोच लिया कि ऐसे हम इलेक्ट्रो ड्रैगन वाली साइड से बिल्कुल इधर तक आएंगे बॉटम तक, देन बॉटम से फिर हम राइट में जाएंगे। तो ये स्ट्रेटेजी नहीं थी, पर हाँ ऐसा ही हुआ। तो जैसे मैंने आपको दिखाता हूँ, ये आएंगे अब इधर से एंड यहाँ पे स्कैटर शॉट है जैसे आपको दिख रहा है। स्कैटर शॉट को सबसे इजी तरीका जो है परेशान कर देता है, डैमेज भी मिलता ही और एंड रेज आप देते रहिए दो दो मिनट के बाद, क्योंकि कभी कभार होता है रेज से बहुत इजीली कॉन्कर हो जाते हैं और रेज से बहुत फ़ायदा भी मिलता है। और पूछ तो अलग ही देता है रेज। तो जैसे मैंने एक रेंज इधर छोड़ दिया जिससे कि विजार्ड टावर जो है इजीली डिस्चार्ज है। विजार्ड टावर बहुत ज़्यादा डैमेज दे देता है, इसलिए एक विजार्ड टावर को हैंडल कर भी किए छोड़ दिया मैंने रेंज। दैन जो चीज को गूगल पर आ रहे हैं तो इधर भी एक रेंज छोड़ दिया जैसे कि इधर का विजार्ड टावर, ईगल आर्मी एंड ट्रेंड मॉडल, ये सब टारगेट हो जाए। एंड एयर डिफेंस तो मस्त था, एयर डिफेंस बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। अब जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ेंगे कैन कैसे ट्रूप्स के कैन कैसे ट्रूप्स तो अभी ये आ गया है, तो हम उसमें फ्रीज छोड़ने की कोशिश करते हैं। फिर हम अपने इलेक्ट्रो ड्रैगन से उन्हें टारगेट करके इसे भी डिस्ट्रॉय कर देंगे जैसे आप देख रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, ग्रैंड मॉडल वगैरह सब आगे बढ़ रहे हैं। स्कैटर शॉट पे अब हम एक फ्रीज छोड़ देंगे सो दैट एंड फिर टाउन हॉल पर छोड़ देंगे। स्कैटर शॉट पे कुछ ऐसा छोड़ेंगे कि एक्सपो भी थोड़ा आ जाए टारगेट में, जैसे कि ग्रैंड मॉडर्न एंड वर्ल्ड चैम्पियन टाउन हॉल पर छोड़ेंगे जो कि मस्त है। टाउन हॉल बहुत ज़्यादा डैमेज देता है क्योंकि उसका एक इन्फर्नो होता है, बहुत ज़्यादा डैमेज देता है, वो भी मल्टीपल होता है, तो हमें उसको फीस डालना ही पड़ेगा वरना हमारे इलेक्ट्रिक को सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन बलून जो लास्ट के हैं वो हमारे डैमेज आ गया था अंडर फ्लैट कैसल में। ये देखिए जैसे इसका हिडन टेस्ला बाहर आ गया और ये टाउन हॉल का बाहर आ गया इन्फर्नो टावर। अब हिडन टेस्ला में चारों के चार यहीं लगा रखे हैं, तो हम उसे भी डिस्ट्रॉय करना है, टाउन हॉल को भी करना है। तो हमने स्कैटर शॉट कर दिया फ्रीज, जिसमें हमने इन्फर्नो टावर भी ले लिया क्योंकि इन्फर्नो टावर भी एक आप देख रहे हैं सिंगल वाला है, सिंगल वाला डैमेज छोड़ दिया, ये डैमेज हो खत्म हो गया। अब हम स्कैटर शॉट एंड रिसीव करेंगे टारगेट। जैसे मैंने आपको बताया था, हम इन्फर्नो में अपने टारगेट कर लिए खत्म। ये भी पैड्स हैं वो बहुत फ़ायदा दे रहे हैं। या अब हम विजार्ड टावर को टारगेट करेंगे, इधर के पीडी जो है स्कैटर शॉट एंड वो सब डैमेज कर देंगे बहुत ईजिली। दिखाई एंड बाहर का सब डैमेज कर लेगा, इलेक्ट्रो ड्रैगन जो है अंदर डैमेज कर लेंगे एंड ये लास्ट का इजीली हो जाएगा। तो हम तो बहुत सब बचा है, फ्रीज स्पेल भी है अभी। ये
गड्डू टावर को वही डैमेज देके ख़त्म कर देगा। बस इजीली हो गया हमारा काउंटर, क्योंकि बहुत इजी लगा, जैसे आप देख सकते हो बस हाल ख़त्म। एक और अटैक देखते हैं, अब हम देखेंगे टाउन 11 मैक्स को कैसे इजीली कॉन्कर कर सकते हैं। अगर हम टाउन 11 पे ही हैं और हमारे पास जो ट्रूप्स हैं वो टाउन 11 के हैं मैक्स, तो ये रहा टाउन 11 मैक्स। देखते हैं अब हम इसे कैसे कॉन्कर करते हैं, आइए देखते हैं। यूजुअल टाउन 11 पे सबसे इजी स्ट्रेटेजी यही रहती है कि आप अपनी जो आर्चर क्वीन है उसे हीलर्स के साथ ड्रॉप करें, उससे क्या होता है इजीली थोड़ा बहुत सारा मतलब एरिया जो है डिफेंस इजीली कर लेते हैं, आपको थोड़ा इजीली मिल जाता है रास्ता, उससे फिर आप वहाँ फिर क्लैन कैसे जैसे कि आसपास में टारगेट जो ट्रूप्स होते हैं वो बहुत इजीली उस जगह को पूरा कॉन्कर कर सकते हैं, तो वो जगह भी पूरी तो बैलून तो ऑलरेडी ख़त्म हो गया, इलेक्ट्रो ड्रैगन भी ख़त्म हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे मैंने इसके पीछे बॉलर्स छोड़ दिए, इसके पीछे आइस गोलम के पीछे एंड उसके पीछे मैं पैक्का भी छोड़ दिया, दोनों तरफ से मैंने ऐसे किया। एंड हीलर तो आर्चर क्वीन के साथ चली रही है, वो लास्ट तक रहेगी और वो बहुत फ़ायदा देती है। अभी आप देखोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आर्चर क्वीन एंड हीलर कितना अच्छा जोड़ देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देन अभी हम यहाँ पे एक लॉग लॉन्चर छोड़ देंगे सो दैट वो इजीली अंदर तक चले जाए, एंड पैक्का जो होंगे वो उसके साथ चले जाएंगे। इस जगह को पूरा फ्रीज कर दिया एंड अब हमारे ट्रूप्स इजीली उस जगह को पूरा क्लियर कर सकते हैं। एंड ये आइस गोलेम जो विजार्ड टावर को भी ख़त्म कर देगा, लॉन्ग लॉन्चर से सपोर्ट तो कर ही रहा है। अभी आप देखिए कैसे चालू कर दिया है एंड ये आइस गोलेम डैमेज बन गया, एंड कूलर्स तो अपनी कोशिश कर ही रहे हैं, पैक्का भी अपनी जगह लगा हुआ है। ये जैसे जैसे लॉन्ग लॉन्चर आगे जाएगा हमें पैक का भी साथ आ जाएगा हमारे साथ, तो उससे इसीलिए हमारा टाउन हॉल एंड क्लैन कैसल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ईगल आर्चर लॉन्ग लॉन्चर के हमारे अंदर बॉलर्स हैं एंड पैक्का यहाँ पे रेज इसलिए छोड़ा क्योंकि जिससे कि थोड़ा जो पीरियड किंग था और हमारा जो पैक्का था फास्ट हो जाए और वो थोड़ा ज़्यादा डैमेज दे दे, कि यहाँ पे सबसे डेंजरस चीज़ें मुझे लगती है इन्फर्नो लगते हैं, वो भी सिंगल पर वो पड़े थे यहाँ पे, तो उसे हैंडल करने के लिए हमें छोड़ दिया था। हमें लॉग लॉन्चर भी थोड़ा आगे बढ़ बढ़ के पहुँचेगा, उसमें से हमारे बोलर्स निकलेंगे एंड वो डिस्ट्रॉय कर देंगे इस एरिया। बॉलर इधर से कर रहे हैं हैंडल, यहाँ पे एक स्प्रिंग ट्रैप होगा ऑब्वियस सी बात है, बॉलर पड़ गए मैंने पॉज कर दिया था, एंड ये आगे बढ़ के इधर हैंडल कर लेंगे। ये देखिए सिंगल बंदूक कितना डैमेज देता है, पैक्का तक को ख़त्म कर देता है। आर्चर क्वीन यहाँ पे लगी पड़ी है, अभी भी देखिए इसे हील करने की लास्ट तक ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल, आप देखिएगा इसे हीलर्स ही से अच्छा कर देते हैं, मज़ा आ जाता है खेल के हीलर्स के साथ। एंड ये हील इधर से आर्चर क्वीन इन्वेड करी इधर एरिया को देख लेगा बॉलर्स इस वाले और लेफ्ट वाले एरिया को देख लेंगे एंड आगे बढ़ते हैं। चलिए रेज मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि अगर रेज नहीं छोड़ता तो चांसेस थे कि इन्फर्नो बॉलर्स को भी हैंडल कर लेते, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक्सपो भी है दो। आर्चर क्वीन वाली ट्रिक तो बहुत इजी है और बहुत अच्छी है, आप जहाँ चाहें जब चाहें यूज़ कर सकते हैं। टाउन हॉल 10 के भी बनते हैं, सब यूज़ करते हैं। तो पैक्का जो है तो थोड़ा फास्ट करने के लिए मैंने यहाँ विजार्ड छोड़ दिया है एंड बोलस पैक्का तो लगे पड़े एंड तो
बैट स्पेल जब मैंने इधर से छोड़ा है तो वो अंदर की तरफ आ रहे हैं कि पहले वो डिफेंस हैंडल करते हैं। यहाँ पे हेडेड टेस्ला को देख लेगा, एयर डिफेंस को देख लेगा, एंड इसमें से कोई भी मास टारगेट करता है, कोई मास टारगेट वाला होता है, जैसे मास टारगेट से मेरा मतलब है विजार्ड टावर पूरा मास टारगेट करता है तो मेरे सारे ख़त्म कर सकता था बैट, पर यहाँ पर कोई मास टारगेट है नहीं, एयर डिफेंस सिंगल टारगेट करता है, पर हाँ उसका डैमेज अच्छा है पर वो सिंगल टारगेट करता है, तो उससे मुझे फ़ायदा मिल जाएगा और वो इजीली मैं क्लियर कर लूँगा, तो ये सारे डिफेंसेज वैसे ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे बैट से, एंड बैट पूरा एरिया ख़त्म कर देगा। बैट बहुत अच्छी चीज़ होती है बैट स्पेल। प्लीज स्पेल मेरे दो बच जाएगी, अब मैं थोड़ा ऐसे फास्ट करने के लिए मैं विजार्ड छोड़ दूँगा अपना एंड और आर्चर से वो भी छोड़ दूँगा, ये मुझे फास्ट करना है पूरा कि लंबा होता है तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए भी थोड़ा फास्ट करने के लिए अब अपने विजार्ड एंड आर्चर भी छोड़ दूँगा सर। डिस्ट्रॉय कर रहे हैं बैट इस पूरे एरिया को ख़त्म कर देगी विजार्ड, मैंने एक उधर बैट जल्दी डिस्ट्रॉय हो, आर्चर क्विन ने पूरा क्लियर कर दिया, देखिए उसे अभी तक यूज़ नहीं किया है मैंने उसकी हील, एंड अब ख़त्म की गेम को सुन ली इतना इजीली स्ट्रेटेजी से काउंटर 11 मैक्स, और आप देखिए कितना इजीली हो गया आर्चर क्विन अगर हम हीलर्स के साथ यूज़ करते हैं तो। अब देखिए चलिए एक अटैक मैं भी कर लेता हूँ, स्पीड बढ़ी है मेरी आर्मी तो जल्दी से अटैक कर लेते हैं। इस टाइम में मैं ट्रॉफी इस पर बिल्कुल फोकस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा बेस थोड़ा रश हो गया है, बहुत ज़्यादा रश हो गया, मैंने किसी को आईडी दे दी थी अपनी, तो अब जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आर्मी ट्रेनिंग भी लगाई थी वो लग रही है, जेम्स बिल्कुल है नहीं हम पे, तो हम करीब हैं जेम्स के हमारे, अब हम बस हमें ट्रॉफीज पे कोई मतलब नहीं है, बेस से हमें कोई मतलब नहीं है, बस हमें लूट अच्छी चाहिए, एंड मैं क्रिस्टल पे था, सॉरी जब मुझे आईडी मिली थी मेरे अभी सिल्वर पे था, एक हफ्ते में मेरी बूस्ट हो गई इतनी जल्दी क्योंकि स्पेल्स मैंने सारी जेम्स की सारी वेस्ट कर दी एंड बहुत सारे स्पेल्स ले लिए थे, तो अब जैसी कोई अच्छा बेस आएगा अटैक करते हैं। नहीं, अच्छा इस पर लूट अच्छी है पर मुझे गोल्ड पे हो गया, थोड़ा गोल्ड मुझे ज़्यादा चाहिए। अरे वाह ये अच्छा है, ये आप लोगों को इजी दिख रहा है तो मैं बता दूँ एक बार कि बहुत इजी दिखने में है पर इसमें जब आप टारगेट करोगे तो पूरा बेस फैला हुआ है, तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है आप इसमें जब तक 70% ही लोगे ना आपको ऐसा लगेगा बहुत ज़्यादा ले लिया आपने, इसमें 70% लेना भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये टाउन 11 मैक्स भले ही नहीं है पर ये इतना सब फैला हुआ है कि हमारे टूल्स बहुत स्लो हो जाते हैं इसको, और मेरी जो नहीं है मैंने इधर से पहले 3 इसके देखिए लूट अच्छी मिल गई, हमें लूट ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और सेना तो बहुत सस्ती थी ये वाली आर्मी, तो चलिए अगला अटैक जल्दी करेंगे, तब तक के लिए ओके बाय।